रास्ते भर फोटो लगा रखा है लेकिन यहाँ पहचानने से इनकार कर रहे हैं। लालचंद तुम खोज कर आए थे कि स्वागत के लिए कोई अंग्रेज अफसर होगा लेकिन यहाँ तो तलाशी लो इसके, बंदूक तमंचा छुरी कुछ भी ना हो इसके पास। ठीक है, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तूने छोकरे, जब खुद चला आए। छोड़ दो इसको, दर दर भागता कुत्ता भी एक दिन थक जाता है छोकरे, तू तो आदमी है। थानेदार साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, अब मैं आ गया हूं, आप उस बेचारी जमुना को छोड़ो। जमुना? हाँ जमुना, बहुत जुड़ा लगता है तुम्हारा उसके साथ, कोई पुरानी दोस्ती है करे। थानेदार, मैं तेरे आगे फिर से हाथ जोड़ता हूँ, सरकार मेरी गिरफ्तारी चाहती थी और अब मैं आ गया हूँ, तो उस लड़की को छोड़। बहुत गुस्सा आ रहा है तुमको, हाँ बहुत गुस्सा आ रहा है। एक छोकरी किसे पकड़ना है और किसे छोड़ना ये तू नहीं मैं तय करूंगा, समझा? नहीं देना पांडे, अब ये मैं तय करूंगा और तू अपने छोकरों से बोलेगा कि जमुना को जाकर हवालात से बाहर लेकर आए। जल्दी सिपाहियों, क्या छोड़ दो उस लड़की को। जी सरकार। कैसी हो जमुना? जिंदा हूं अभी तक। बंदूक फेंको। बोल बचुआ, क्या कर रहे हैं? मार दे अभी? नहीं बाबा, इसकी जरूरत नहीं है। चलो आगे, चलो। जमुना, चलो। आपकी हुजूरी बजाकर राजा जी की हुजूरी बजाने जा रहे हैं। लखनऊ से कोई अंग्रेजी लाट साहब आ रहे हैं शिकार करने, हमने सोचा हम भी जाकर बाघ और तेंदुए पर गोली आजमा कर देख लें। जब देखो हवेली, काम ना हुआ नशा हो गया है, फिर ब्याह ही क्यों किया हमसे? ऐसे मुंह क्यों खुला रखा है देवी जी? उस बेचारी हवेली ने क्या बिगाड़ा है आपका? भाड़ में जाए हवेली, जब भी जाते हो एकदम गोंद की तरह चिपक जाते हो, गोरी मेम जो है वहाँ। अरे नहीं भाई, अब देखो ना राजा साहब बीमार हैं, पता नहीं कब क्या अनहोनी हो जाए। आप ही को देखना पड़ता है जैसे सब कुछ। और क्या, हमें ही तो देखना है सब कुछ। शिकार पर जा रहे हैं, डर नहीं लगता आपको? हमें तो सिर्फ आपसे डर लगता है और किसी से नहीं। रोहित जी, हम ठीक तो लग रहे हैं ना? बहुत बढ़िया लग रहे हैं महाराज। ये लाट साहब कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। वो गए हैं शिकार ढूंढने। ढूंढने? ये बाघ तेंदुए क्या पिंजड़े में बंद है जो उन्हें ढूंढने जाएंगे? अब पता नहीं क्या बात है, वो हमसे कहे थे स्पेशल शिकार है। रोहित जी, अगर हम उनसे पेट दुखने का बहाना करें तो क्या वो मान जाएंगे? महाराज आप क्यों खामखा परेशान हो रहे हैं? एक बहादुर क्षत्रिय को बुजदिली शोभा नहीं देती है। नहीं वो बात नहीं है, देखिए वैसे ही बहादुर क्षत्रिय बहुत कम रह गए हैं, अब इस स्पेशल शिकार के चक्कर में अगर एक और काम हो गया तो समझ रहे हैं ना हम कहाँ कह रहे हैं।
try to kill my husband. Oh, आ गई सिलवनिया. चलो, चलो पुरोहित जी. राजश्री, are you sure? आपको शिकार पे जाना है? अब कहा करें सिलवनिया? क्षत्रिय खून है हमारा, मजबूरी है. ए, पगला रहे हो क्या? अरे लॉर्ड साहब के लिए वो फटा हुआ टेंट. रोहित जी, इफ़ सिंह राजा जी को मार के आप इस हवेली के मालिक बन जाएंगे, देन यू आर रॉन्ग. मेरे पेट में राजा जी का बच्चा है, वो बनेगा इस हवेली का मालिक. एंड इफ एनीथिंग हैपेंस टू माय हस्बैंड, I'll kill you. तो तमाशा नहीं है उसे तमाशा मत बनाओ शैलजा रानी. औरत हो राजा की ब्याहता, नहीं तो बेटा मैं जवाब तुम्हें. चिल्ला रही हो तुम? अब इसको ले लो भैया, रो रो के आसमान एक कर दिया है. शैतान कहीं का है, परेशान करता है मौसी को. बाजी कहीं का, चल अभी हंसता है. चल वो छपता है बंदर की तरह शैतान. चल खड़ा हो जाओ तुम, अब तुमको भूख भी लगेगा. तो मौसी के यहाँ से खा के आना था ना, हम कहा तुम्हारे लिए खीर बना के बैठे है क्या? चल शैतान. ए चंदर, ये मालिक कहाँ जा रहा है तू? गाय को चारा खिलाने. गाय को चारा खिलाने? गाय का चारा तुमको याद है, आदमी का याद नहीं है तुमको? यहाँ खाना कौन बनाएगा? खाना? खाना तो हमें बनाने नहीं आता मालिक. खाना बनाने नहीं आता? अरे ये हम सब जो कर रहे हैं का अम्मा का पेट सिखाए थे करने के लिए, का कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम सब कुछ? है आदमी सीखने का लगन होना चाहिए, समझे? जा गाय को छोड़ के आना जल्दी से. अच्छा मालिक. और लौटते में जबर के लिए कुछ खाने के लिए आना, समझे? और आपके लिए हमारे लिए भी ले आना. अच्छा मालिक. बक 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 करते रहना, काम धाम कुछ नहीं. चल यहाँ बैठ. तो 15 दिन हो गए तेरी अम्मा की कोई खबर नहीं, कोई चिट्ठी पत्री नहीं. अब तू यहाँ सोएगा, हम जरा बाहर काम निपटा ले. वही 24 घंटा तुमको टांगते फिरते रहे ना तो हो चुकी किसानी. तेरी अम्मा को आना होगा तो खुद ही आएगी, हम क्या करें? ये बता जबर बेटा, क्या हम कोई पाप तो नहीं किया है ना? हम तुमको पाप के पैसा से बड़ा करेंगे? ये तो नहीं होगा. जैसे भी होगा हम बाप बेटा जिंदगी गुजार लेंगे, ठीक है ना? नीचे उतर, चल जा, जा। अंग्रेजों का खुर चाटने वाले लोग मुझे पसंद नहीं, लेकिन तेरी बात और है, तूने हमारी मदद की, जा हम तुझे आजाद करते हैं, कह दिया ना जा। तूने मेरे यार फकीरे की जान ली, मेरे दोस्त दत्ता बाबू को मारा, लेकिन हमारे मन में उसका कोई रंज नहीं है। घर जा, जाकर नहा दो, बीवी के हाथ की चाय पी और फिर थाने जाकर रात की रपट लिखवाना। चल जा, जा, ये कह दिया ना जा। इसे कहते हैं बागियों की दरिया दिली। दरिया दिली? बकसने का काम तो ऊपर वाले का है,
वो इसे बख्श दे तो इसकी मर्जी। बागियों की भाषा में तो गद्दारों की एक ही सजा है। ऐसा अद्भुत शिकार तो हमने आज तक नहीं सुना। अरे पांडे जी, तुम ऐसी संगत में थे कहाँ जो तुमको ऐसी रंगीनियां देखने को मिलती। और हमारी बात दूसरी है कि आंख बंद करके भी फायर कर दें तो कुछ ना कुछ हाथ लग जाए। Believe me, it is totally unlike killing any other kind of animal. You are not a man until you've tried it. Nothing can give you pleasure if this does not. Our tombs aroar in joy karaoke. Moreover, tum naya hey, tum hi shuru karo. जब तक ये नगाड़ा बज रहा है, जितनी दूर भाग सकते हो भागो। राम समझ, तेरा आमली नाड़ी देखना कहीं बुखार तो नहीं? आदमी के शिकार की गर्मी है राजा जी, बुखार उखार कुछ नहीं। नहीं, कमजोरी तो है, तुम हमें छोड़कर ना चले जाना, हमारा जी अच्छा नहीं है। आप पकड़िए उनको और सुनिए, ज्यादा आगे मत जाइएगा, जंगल का मामला है ना। कहां मरवा दिया इस अंग्रेज ने, इस रमनिया के अलावा हम तो कोई अंग्रेज भाया ही नहीं आज तक। नाइस मूव। हमारी सात पुष्पों ने नहीं किया, वो कह रहे हैं ब्राह्मण होकर आदमी का शिकार है। धिक्कार है तुम्हें। राम समझ, राम समझ, राम समझ। की कदर जौहरी जानता है। अगर आज आप समय पर नहीं पहुंचते तो अंग्रेज की फोटो पर तो चढ़ गई थी माला। कैसे ईरान तुरान की फेंक रहा था शिकार से पहले, आज पता चला कि अंग्रेजों में भी चिमरिकी होते हैं। कुछ नहीं राजा साहब, ये लोग भी अंदर से खोखले होते हैं दरअसल, बस अपने रंग की धाक जमाए हुए हैं। अगर आपका मेहमान नहीं होता ना वो लाट साहब, तो हम तो छोड़ देते उसे वहीं पर मरने के लिए। अरे छोड़ो भी, अब हर कोई अमरी तरह क्षत्रिय तो होता नहीं। समझ लो कि गोरे पर एहसान कर दिया, साला जिंदगी भर याद तो रखेगा।
वैसे पुरोहित जी, हमें एक बात की बहुत खुशी है कि हमने तुम जैसा नेक और बहादुर इंसान खोज डाला। अब हम आपके किसी काम आ सके, इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या होगी राजा साहब। आई होप यू ऑल राइट राजा जी। आओ आओ सिलवत्ता दादी, आओ बैठो। हम तुम्हें कहा बताएं जंगल में कब, अगर पुरोहित जी समय पर नहीं पहुंचते तो लाट साहब तो हमेशा के लिए लटक जाते। क्यों? थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग हिम सेफली पुरोहित जी। चलिए राजा जी, शरीफों के सोने का टाइम हो गया, चलिए ना। आई होप यू डोंट माइंड। नहीं कतई नहीं। सिलोनिया डार्लिंग, जरा थोड़ी देर ठहर जाए, वो स्पेशल शिकार के नाम पर अगर थोड़ी थोड़ी पी लें तो जरूर रहेगा और नींद भी अच्छी आएगी। क्यों पुरोहित जी? नहीं राजा जी, आई वॉन्ट यू टू बी इन योर सेंसेस इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग। लेकिन कौन है? प्रणाम राजा साहब। सर लाड साहब के दफ्तर से पैगाम है, ये है राम समुझ पांडे के लिए। राम समुझ पांडे तो हम हैं, लाइए दीजिए। ठीक है, उनसे कहिएगा कि कल हम दफ्तर में उनके लिए चिट्ठी भिजवा देंगे। क्या खबर है पुरोहित जी, चेहरे पर बहुत लाली आ गई है। राजा साहब, लाड साहब ने मुझे ताल्लुकदार बनाए जाने के लिए सिफारिश की है। लिखा है कि एक हफ्ते में वो सारी कागजी कार्रवाई खुद पूरी करवा देंगे, बस मुझे एक बार लखनऊ जाना होगा। अरे वाह पुरोहित जी वाह, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जो तुम्हें इलाहाबाद से फैजाबाद उठाकर लाए हैं ये बहुत शुभ रहा। तो अब इसके नाम पर हम पियेंगे और पूरी रात पियेंगे। तुम्हारा घर जाना कैंसिल। सिलवनिया जाओ तुम ऊपर, हम आते हैं। नहीं राजा जी, आप यहाँ बैठेंगे तो मुझे ऊपर नींद नहीं आएगी, हम यहीं बैठेंगे। आपको कोई एतराज? नहीं कतई नहीं। नंदिनी, नंदिनी! अरे राम समझ बेटा। बाबूजी आप? अरे मुबारक हो मुबारक हो। लेकिन मगर ये, अरे अगर मगर बाद में बाबूजी, पहले आप मुंह मीठा कीजिए, ये लीजिए। एक बार बताओ जी, तुम्हें पता कैसे चला? मुझे? पर आपको कैसे पता चला? अरे बेटा तुम बाप बनने वाले हो और तुम्हें पता तक नहीं? क्या हम बाप बनने वाले हैं? कह रही हैं आप माजी? बिल्कुल सर। यानि हम बाप बन रहे हैं और आप नानी? हाँ। ओ माजी माजी, आपने तो दिल खुश कर दिया हमारा। माजी दिल खुश कर दिया। माजी दिमाग तो हमारा घूम रहा है राजा का खिताब पाकर। अच्छा क्या कह रहे तुम? हाँ बाबूजी हाँ, सब शुभ ही शुभ रहा है। आज से आपके दामाद कहलाएंगे राजा राम समझ पांडे। ये तो वाकई खुशी की बात है। एक काम करो, तुम मुँह मीठा करो। बहुत शुभ होगा हमारा बेटा। आपको कैसे मालूम कि बेटा ही होगा? जानता हूँ, मन कहता है मेरा। रजवासी लेकर आएगा बाप के लिए। फिर किस सोच में पड़ गए? राजा राम समुझ पांडे सिंहासन पा गए, पर उनके सर पर अभी भी झोंपड़े की छत है। जहाँ इतने दिन सबर किया है, और दो चार दिन कर लीजिए, फिर राजमहल भी मिलेगा और हवेलियां भी। इतना आसान नहीं है हवेली पाना। जब तक वो क्रिस्टाइन रानी और उसके पेट का बच्चा जिंदा है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर उस क्रिस्टाइन ने बेटे को पैदा किया तो हवेली तो गई हमारे हाथ से। ठीक है अब सो जाइए आप।